जो आपने कहा था कि शराब में आजकल हम देखते हैं कि वो उंगली डाल के सीटे जो एक टोटका इसको क्या है, इस टोटके का मतलब क्या है, इसका फायदा क्या होता है, बाकी शराबियों के लिए कम से कम काम आएगा कि वो भी आगे से टोटका करे, उससे क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इसको अलग से बात करें। मियां बीवी का जोड़ा देखा है आपने? जी। बीवी को कोई दिक्कत आ जाए तो मियां कमजोर होता है, वो घर नहीं संभाल पाता क्योंकि बाहर देखना होता है, और मियां को कोई दिक्कत आ जाए तो बीवी कमजोर पड़ जाती है क्योंकि वो बाहर नहीं देखती। इसी तरह से शुक्र और शनि दोनों मियां बीवी हैं। जब शनि खराब होते हैं तो बीमारी घर में आती है, जो कि इनको पहले ही सांस की तकलीफ शो होती है, वो बीमारी के साथ साथ ये शनि के सुख यानी मकानों के सुख, बैठ के खाने के सुख, आराम से चलने के सुख, खुशी खुशी आगे बढ़ने के सुख, ये खत्म हो जाते हैं जब शनि खराब होते हैं। तो ऐसी अवस्था में हम कहते हैं कि इन शुक्र शनि को इकट्ठा करके स्वस्थ कर दो। तो शराब, ये जो 10वीं फ्लोर पे बैठे हुए या 20वीं 50वीं फ्लोर पे बैठे हुए वो जो शराब छिड़कते ना, उनका कोई फायदा नहीं है, वो कोई फायदा नहीं है। ये शराब का है क्या कि अगर शनि खराब हो और आदमी शराब पी ही रहा है तो उसको ये चाहिए कि भाई वो थोड़ी सी शराब लेके कच्ची जमीन में मिट्टी में गिरा दे। तो मिट्टी शुक्र, शुक्र और शनि जब भी आपस में मिलते हैं तो ये एक ऊर्जा पैदा करते हैं जो हमारे को पॉजिटिव थिंक देती है और जोश देती है हर काम करने का। तो इसका, अब हर कोई शराब तो पीता नहीं, तो पीनी भी नहीं चाहिए, शनि ग्यारहवें में हो तो पीनी नहीं चाहिए। तो आदमी हो, औरत हो, बच्चा हो, उसका ये अगर योग आ जाता है तो हम उसे कहते हैं 43 दिन लगातार सूर्य उदय के वक्त में, यानी कि सुबह सुबह जब सूर्य उगना शुरू होता है, आप थोड़ी सी शराब या स्पिरिट ये लेकर के सूर्य को अर्घ के रूप में ऐसे दिखा करके कच्ची जमीन पे गिराएं, क्योंकि सूर्य शनि के पिता हैं तो उनको साक्षी मान के एक तरह का ये मिट्टी के साथ इनका गठबंधन कर रहे हैं, मियां बीबी को इकट्ठा कर रहे हैं ताकि ये पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती रहे। ठीक है जी, तो यानी ससो साक्षी हो गए ना, यानी कि शराब के सिर्फ नुकसान नहीं है, उसको सही सही तरीके से इस्तेमाल करें तो उसके फायदे भी बहुत सारे, फायदे भी बहुत सारे हैं। तो इसीलिए ये इन दोनों को इकट्ठा, तो इनको पहले ये उपाय करके बाद में ये भी कर लेना चाहिए, बीमारियां चले जाएंगी।